सब लाला ही मेरा ही लाला है। अब जाओ ब्रज में और मेरे दोनों लाला का नामकरण करके आओ और ऐसे एक नाम रखियो जो नाम मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ हो। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, ओ भाग्य है, भगवान को गोद में लेना कोई साधारण भाग्य है। अभी भगवान की नन्हे नन्हे छोटे छोटे चरण हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। देखना छोटे बच्चे को जब गोद में लेते हो कितना प्यारा लगता है, कभी दाढ़ी पकड़ते हैं, कभी कपड़े खींचते हैं। भगवान को गोद में लेकर के मैं नामकरण करूंगा, मेरा भाग्य तो जग गया। जब गर्गाचार्य जी गोकुल में विचलना मनरीणाम गृहिणाम तीन चेतसाम निसरसाय भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। हे गर्गाचार्य, आज तो मेरे गृह धन्य हो गया है। क्यों आज मेरे घर में संत लोग आए हैं, घर में संत लोग आए हैं, क्या बताए, घर में हरि कीर्तन, घर में हरि चर्चा होगी, बस हमारे जीवन धन्य हो गया। बोले संत लोग घर में क्यों आते हैं, क्या हमसे कुछ लेने के लिए ना देने के लिए? कहते हम कुछ देने के लिए आते हैं। बोले हमें क्या देने के लिए आते हैं संत लोग? कहते हम जो भगवान को भक्ति करने के लिए मातृ गर्भ में हमने कसम खाई थी ठाकुर, हमें एक बार अगर ये मानव शरीर दोगे उठते बैठते सोते में नाम जप करूंगा। लेकिन हम संसार में आकर वो चीज को भूल गए। संत बोले भैया मातृ गर्भ में तुमने कसम खाई थी भक्ति करने के लिए, कितने माला जप कर रहे हो और कितने भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये चीज को इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य की चरण धोए, चरणामृत लिया लेकर के। बोले बाबा जब आप कृपा करके आए हो, हमारी बच्चों का थोड़ा आप नामकरण करवा दो। गर्गाचार्य बड़े खुश हो गए, बोले दोनों बच्चों को ले आओ। तो उन्होंने दोनों बच्चों को ले करके आए। पहले उन्होंने श्री बलदेव प्रभु का नाम रखे। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमया के, तुम्हारी जो बड़ा बेटा ना इसका नाम होगा बलराम होगा। क्यों? ये सबको आनंद प्रदान करके इसलिए इनका नाम होगा राम। और बला धिक्यात बलम पितु, ये बड़ा बलवान होगा ये बच्चा। लेकिन इसका एक नाम होगा संकर्षण। बोले क्यों? कहते ये तो पहले आए देव की गर्भ में, फिर देव की गर्भ से उनको फिर इनकी रोहिणी गर्भ में जोग माया ने आकर्षण करके रखा, इसलिए इनका नाम इका रोहिणी, इनका नाम होगा संकर्षण। बोले श्री संकर्षण भगवान की, बोले श्री दाऊ भैया की। अभी कृष्ण का नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए तो इनका ध्यान ही पूरी लग गई, आंख ही नहीं खुल रही थी। बोले क्यों? बोले जिसका एक दो तीन नाम हो ना उसका तो कोई नाम रख लो, लेकिन ये दुनिया में जितना नाम सब इन्हीं का ही नाम है। अभी वो सोच रहे हैं भैया मैं किसका नाम रखूं, कितने नाम इनकी है? इसलिए हमारे के संत ने बड़े सुंदर ठाकुर का नाम को दे दे करके एक कीर्तन करते हैं। बोले जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 तब श्री गर्गाचार्य जी जब आंख खोले बोले हे नंद बाबा तुम्हारी जो बेटा है ये हर युग में ये अवतीर्ण होता है और अवतीर्ण होता कर इनकी अनेक नाम अनेक रूप अनेक गुण इनकी कहते तुम्हारे बेटा सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, लेकिन जब ये कलयुग आएगा ये श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि श्रीमान महाप्रभु का रूप में आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को ये प्रचार और प्रसार करेंगे। लेकिन अभी जो तुम्हारी लाला है ये कृष्ण रूप में ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण नाम होगा। देखो ये द्वापर युग की कथा है। श्री गर्गाचार्य जी कृष्णा कलयुग में श्री महाप्रभु का रूप में आएंगे, उन्होंने पहले ही बोल करके रखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर मोदी मानो आएगा वो ऐसे नहीं आ जाएगा, पहले न्यूज पेपर में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगी, सब जगह में प्रचार हो जाएगा, इतने बजे फ्लाइट में अमुक जगह से अमुक स्थान पर मोदी आने वाले हैं। देखो साधारण एक प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसके लिए कितने प्रचार प्रसार आए, तब भी जा करके आते ही, अगर ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान स्वयं अगर आएंगे वो ऐसे नहीं आ जाते। इसलिए हर शास्त्र में पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे ये बहुत सारे शास्त्र में बताया गया है।
उनकी पत्नी का नाम क्या होगा, पति का नाम क्या, उनकी पिताजी का नाम क्या होगा, वो कहाँ पर आएंगे, इसका पिता माता कौन बनेंगे, बहुत बहुत कुछ प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे। सारे वेद पुराण उपनिषद में भूरी भूरी प्रमाण। यहाँ पर श्री गर्गाचार्य भी द्वापर युग में कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आ करके कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको प्रचार करेंगे, पहले से ही बोल दिए, इसलिए बोले इनका नाम कृष्ण नाम होगा। कृष्ण मतलब क्या, बोले काले, क्या कोलतार जैसे काले, बोले नहीं, भगवान के लिए उदाहरण दिया, जैसे आकाश में जैसे मेघ छा जाती है, जैसे मेघ का जो रंग है भगवान की वैसे रंग है, काले रंग इसलिए है। अब बहुत सारे रंग मिलाओ, देखना अलग 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 रंग होगा, लेकिन थोड़ी काला रंग मिला दो, वो सारे रंग को देखना वो अपना लेता है। इसलिए कृष्ण काले हैं, हर चीज को भगवान अपना लेते हैं। कहते ना काले कमरिया के ऊपर में चढ़ना दूजा रंग, अगर कोई काले रंग में एक बार रहना फिर तो उसको ऊपर में कोई रंग नहीं चढ़ती है। और कृष्ण मतलब जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं, कहते वो भगवान कृष्ण हैं। बल इसका एक नाम कृष्ण नाम होगा, बल इसकी इतने नाम इतने रूप इतने गुण हैं, कितना हरि अनंत हरि कथा। बात को बता रहे थे, वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, अभी कृष्ण एकदम मैया जसोदा जो बूढ़ी हो गई थी तभी ये कृष्ण जन्म हुए। मैया सोच रही है ये ज्योतिष जी कोई काम की बात नहीं कर रहे, बिना काम की बात करते जा रहे, इतना नाम इतने रूप इसी युग में आए उसी युग में, अरे हमारी उसमें क्या मतलब है। देखो घर में माताओं की क्या चिंता रहती है, बोले बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, अरे बेटे का शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना माताओं को सारे घर का कामकाज पढ़ना करती है, लेकिन घर में जब बहू आ जाए फिर तो बहू को सारे काम बहू को सौंप देती हैं, फिर माताओं को विश्राम मिलती है। ये नियम हमारी हमारी जो हिंदू संस्कृति का ये नियम अभी तो धीरे 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 बदल रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई स्त्रियां बाहर काम नहीं करती थी, वो रहती थी घर में, घर का कामकाज माताएं कर लेती थी, और पुरुष लोग क्या करती थी, घर का सारे बाहर का काम श्री पुरुष लोग किया करते थे। इसलिए मैया सोच रही हैं, अरे ज्योतिष ये तो बताए बेटा कब बड़ा होगा, घर में कब बहू आएगी, कितने शादी होएगी, अरे ये बात तो कम से कम बताए। इतने में गर्गाचार्य एक श्लोक को बोल दिया, देखो एक श्लोक दो अर्थ होता है, वो कह रहे हैं बहुनी संति नामानी, तेरे जो बेटा है ना इनके बहुत नाम होगा, कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश माधव हैं, और इनकी बहुत रूप और गुण होगा। मैया तो बड़ी भोली भाली, वो अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी, बोलो ज्योतिष ये कह रहे हैं, वो कह रहे बहुनी संति, लेकिन मैया सोच रही है मेरे सियाद लाला की बहुत सारी बहू होगी। मैया तो खुश होगी, बोल कोई बात नहीं, जितने बहू होगी उतनी की तो सास की सेवा करेगी, क्योंकि पहले पहले बहुत शादी करते थे। कृष्ण जब द्वारका में जाएंगे 16,158, जब कृष्ण ब्रज में रास करेंगे कितने 100 करोड़ गोपियां, राधा जी तो थी, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा, और कोई काली कोई गोरी, काली कौन, कालिंदी काली है, गोरी राधा रानी है, बोले कोई बात नहीं बहू होनी चाहिए घर में, काली हो नहीं तो गोरी हो, क्योंकि जितना होगी उतना सेवा करेगी। मैया तो खुश हो गई, मैया खुश हो गई, बोले बाप ज्योतिष काम की बात बताए, खूब उनकी मुंह मांगी, मैया ने दक्षिणा दी, ज्योतिष के चरण में गिरा करके बोले लाला को आशीर्वाद दे दो। गर्गाचार्य जी उन्होंने ऊपर ऊपर से उनका आशीर्वाद दिए, और बड़ी प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य वहां से चले गए। जब चले गए जितने बड़ी बुढ़िया थी पूछे मैया जसोदा को, बोले ज्योतिष ने लाला को नाम क्या धरवाया है, बोले बड़ा बेटा का नाम तो बलदेव और छोटा बेटे का नाम कृष्ण, बोले भैया नाम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो कृष्ण नाम ना
अब देखना जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए ये कृष्ण नाम ही नहीं निकलता है। और कृष्ण को देखो तीन जगह में कृष्ण टेढ़े हैं, कृष्ण का हर चीज देखना टेढ़ी है। इसलिए एक भजन है बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, नजरिया।
से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भैया कृष्ण टेढ़े क्यों है और तीन जगह से टेढ़े क्यों? बोले कारण यही है, कोई सीधा चीज अगर घुस जाए वो निकल जाती है, लेकिन कोई टेढ़ी चीज घुस जाए ना वो निकलती नहीं सहज में। अगर हमारे तिल में अगर वो टेढ़े रूप में घुस जाए ना वो सहज में निकलते नहीं, इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। बोले देखो भैया कृष्ण नाम जैसे टेढ़ो, उनका गांव भी टेढ़ो, उनकी बोली भी टेढ़ी, उनकी देखना भी टेढ़ी, उनकी चलना सब उनका टेढ़े ही टेढ़े ही है। इसलिए गोपियां बोले देखो ये कृष्ण नाम जब तक ये जिह्वा तीन बार पलट नहीं जाए तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलता है। एक काम करो, पत्रिका नाम तो कृष्ण बलराम रहे लेकिन अपना घर का नाम रख लेते हैं कलुआ और बलुआ। ये घर में उनको कलुआ और बलुआ रूप में बुलाए करेंगे। बोले श्री कनुआ बलुआ की। जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, कृष्ण एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए ना एक चीज की प्रार्थना करते हैं। बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसलिए श्री रसखान कहते हैं भैया ब्रज में जाकर के जरूर दो काम करियो। बोले दो काम क्या करो? बोले रमन रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पार। कभी जाकर के तो रमन रेती में जरूर लोट पोट उठानी चाहिए और यमुना में आचमन और यमुना की में स्नान करने, जरूर ये दो काम करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो कोई आए यही मांगते हैं, हे राधे तुम्हारी चरण की हमें धूल मिली जाए। बोले भैया ये ब्रज धूल में क्या रखा हुआ? एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में ब्रह्मांड घाट में खेलते खेलते ठाकुर जी ब्रज रज को सेवन कर ली। सखाओं ने कहा कन्हैया मिट्टी मत खाया करो पेट खराब हो जाएगी, लेकिन कृष्ण किसकी बात ही नहीं सुने, वो मिट्टी खाते ही जा रहे हैं। सखाओं ने मैया से चुगली कर दी। बोले मैया आज कन्हैया इतने मिट्टी खा रहा है, किसका बात ही नहीं सुन रहा है। मैया बोली अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया तो हाथ में एक छड़ी लेकर के आ गई, सीधा कृष्ण का कान को पकड़ी। बोले क्यों रे अपवित्र? बोले जिनका नाम लेने से दुनिया पवित्र हो जाते हैं, मैया के तो अपवित्र झूठे, आज तूने मिट्टी खाई। कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल दिए। बोले ना अहम भक्षित मानम भो सर्वे मिथ्याभिशंसिनम। बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। बोले ये क्या दाऊ भी झूठ बोलता है? बोले हाँ भैया आज तो पता नहीं सवेर मैंने किसका मुंह देखा, ये सबके सब एक तरफ हो गए। बोले मैया ये दाऊ भैया उपने में देखने में बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े कारो हैं। लेकिन मैया मैं तो कारो हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ। देखो यहाँ पर एक रहस्य बात बताते हैं। बोले बलदेव प्रभु ऊपर से गोरे बोले अंदर से काले, मतलब आप लोग ब्रज में जाओ कहीं भी बलदेव प्रभु को देखोगे ना कहीं गोरे नहीं देखोगे, सब काले काले देखोगे। बोले क्यों? बोले वो कृष्ण चिंता करते 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 बलदेव प्रभु काले हुए, इसलिए वो अंदर में कृष्ण की चिंता करते इसलिए कारे हैं। बोले ऊपर मैं कारो हूँ लेकिन अंदर में गोरो हूँ, मतलब क्या? बोले इनकी अंदर कौन है? बोले आत्मा तो राधिका है, इनकी आत्मा श्रीमती राधा रानी, इनके हृदय में राधा रानी का निवास है। कहते मैं राधा रानी को याद करता हूँ हर समय, इसलिए मैं अंदर में तो गोरो हूँ मैया। बोले ये सबके सब झूठे? बोले हाँ मैया सबके सब झूठे हैं सबके सब। बोले तू एकमात्र सत्यवादी हरिश्चंदा तू ही? बोले हाँ मैया मैं तो आकाश में सूरज का हाथ उठा कर कह सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, जमुना में ठाड़ो होकर के कह सकता हूँ मैंने मिट्टी खाई नहीं खाई, श्री गैया को पर हाथ रखकर कसम खा करके बोल रहा हूँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले दाऊ भैया के सर को पर हाथ रख करके बोल सकता हूँ। पता नहीं कृष्ण क्या क्या कसम खाना शुरू कर दिए, हैं क्या क्या कसम खाना शुरू कर दिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं मैया को बोल दूं मैया अगर मैंने मिट्टी खाई मुंह से तो खाई तो मेरे मुंह को देख ले, हो सकता है मैया मान जाएगी। लेकिन मैया मानने वाले कहा, जानता है कठिया बड़ा नटखट है। इतने में बोले मैया मेरे मुंह देख ले। बोले मुंह खोल, एक धमकी लगाई तो
इतने में कृष्ण की मुंह झट खुल गई। जब खुल गई अभी मुंह में मिट्टी लगा हुआ था, मैया एक कान पकड़ करके एक हाथ में लठी आए। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया, जो कृष्ण लीला को सबके सब पुष्ट करने वाली, अभी वो देख रही हैं। अभी तो कृष्ण को मुंह में मिट्टी लगा हुआ ऑलरेडी, मैया का हाथ में छड़ी, एक ना डंडा नीचे नहीं, सब कृष्ण को पीठ के ऊपर पड़ने वाले। जोग माया सोच रही है, अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु अगर पीठ गए फिर तो मेरा रहना बेकार है। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया लीला शक्ति कृष्ण की छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, कितने चंद्र, कितने सूरज, ग्रह, नक्षत्र, मैया को खुद खुद अंदर में देख रही थी। मैया बोली, मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं। मैया की अंदर में जब ये भावना आ गई ना, कृष्ण डर गए। बोले क्यों डर गए? बोले अगर मैया को ये प्रतीति हो गई मैं भगवान हूँ, फिर मैया क्या करेगी? जैसे सालग्राम के लिए छोटी सी घर बनाई, थोड़ी सी बातासा नहीं तो मीठा भोग लगा देती है और घंटी हिला करके तुम्हें वो माता च तो पिता तुम्हें वो बोल कर भोग लगा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगर मैया को विश्वास हो गया मैं भी भगवान हूँ, मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाएगी और मेरे को अंदर में बंद कर करके लेगी, और मैं जो सखाओं को साथ में इतने लीला करता हूँ लीला ही नहीं कर पाऊंगा। इतने में कृष्ण तो डर गए। जब कृष्ण डर गए फिर जोग माया ने कहा, भैया उल्टा हो गया, मैंने ब्रह्मांड रूप तो दिखाया लेकिन अभी उल्टा हो गया है। इतने में सारे ब्रह्मांड रूप अंदर ध्यान हो गया। मैया देखती है वही छोटा सा मुंह, बस कृष्ण वही नन्हा सा बच्चा है। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, आप लोग ध्यान देकर सुनो। आप लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो। अरे बोलो जोर से, मिट्टी कृष्ण खाए कि नहीं? खाए थे ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण झूठ के बोलती है, बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर दुनिया क्या बोलेगा? अगर भगवान होकर के अगर ये बोलते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई खा करके, दुनिया बोलेगा क्या ठाकुर जी जब झूठ बोलते हैं क्या मैं हम लोग झूठ बोलने में दोष है? जब ठाकुर जी झूठ बोले कोई दोष नहीं, दुनिया तो यही सोचेंगे ना। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी कहते नहीं, ठाकुर कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भागवत का जो प्रथम श्लोक है ना, बोले सत्यं परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। जब कृष्ण मातृगर्भ में आए 33 करोड़ देवता भी भगवान को स्तुति कर रहे थे, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। भगवान कौन है? बोले जिनका व्रति सत्य है, जिनका धाम सत्य, जिनका नाम सत्य, जिनका भक्त सत्य। भगवान तो त्रिसत्य है। जब भगवान जब त्रिसत्य सनातन है, अगर वो झूठ बोलेंगे तो सारा दुनिया ही झूठा हो जाएगा। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान झूठ कभी बोले नहीं, बोले अभी तो बोल दिए। कहते अभी तो बोल दिए, तब उन्होंने दो उदाहरण दिए, ठाकुर कैसे झूठ नहीं बोले। बोले भैया खाना किसको कहते हैं? हमसे जब कोई चीज अलग होता है जैसे उठाकर खाते ना, उसको खाना कहते हैं। इसलिए भगवान विश्व ब्रह्मांड दिखाए। बोले मैया विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में, मैं खाया कब? मेरे से तो कोई अलग है नहीं, दुनिया तो मेरे अंदर में, फिर मैंने खाया कब? इसलिए ये एक कारण बताए भगवान झूठ नहीं बोले, क्योंकि सारा दुनिया भगवान में। दूसरा कारण बताए, ये संस्कृत शब्द है, जब ये शब्द को अलग कर देते है ना, वो होता है ना अहम भक्षित वान अम्ब। बोले अम्ब मतलब हे माटा, ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, जब इसको अलग कर दोगे। लेकिन ये शब्द को जब एक कर दोगे फिर क्या होगा? बोले नाहम। बोले नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया ये मिट्टी की बात क्या कह रहे हो, मैं तो ये विश्व ब्रह्मांड को खा करके रखा है, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है, देखना चाहती हो, देख ले। उन्होंने मुंह खोल दिए तो ब्रह्मांड को दिखा दिया उन्होंने, हैं? इसलिए भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान सनातन है। अभी प्रश्न होता है, फिर भगवान ने मिट्टी खाए तक खाए क्यों, कारण किया? इसका 2-3 कारण बताए। पहला कारण बताए, ये जो विश्व ब्रह्मांड, ये ब्रज रज की इतने महिमा है। देखो हम जो तिलक लगा रहे हैं ना, जानते हो ये तिलक क्या चीज है? ये ब्रज रज है। हाँ, इनकी कथा सुन लो। हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं, ये ब्रज रज कहाँ से आई?
एक दिन श्री नारद जी ठाकुर जी से प्रश्न किए, बोले ठाकुर जी दुनिया कहता है सब तेरे भक्त है, बोले हाँ, बोले तेरे असली भक्त कौन है और सबसे बड़े भक्त तेरे कौन है बताओ तुम, बोले समय आएगा तो मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बूझ करके बुखार की लीला की, अभी वैद्य को बुलाए वसुदेव महाराज, लेकिन बुखार सही नहीं हो। नारद जी आए, बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर जीव की भव रोग से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुख कष्ट से मंगल भवन अमंगल हरि तेरे नाम, और तेरे को बुखार है तो बड़ा विचित्र बात है, इसलिए आप ही बताओ आपकी बुखार कैसे सही होगा। बोले नारद जी बोले मेरे बुखार तो सही हो सकता है, बोले कैसे बताओ, बोले अगर कोई मेरे शुद्ध भक्त हो अपना चरण धूलि मेरे को दे दे, वो चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए ना, मेरी बुखार सही हो जाएगा। बोले नारद जी सारे दुनिया कहते तू मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए थोड़ा चरण धूलि दे दे, मेरे स्नान करा दे। बोले गुरु राम 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 राम, प्रभु आपको चरण धूलि देकर क्या नरक जाना मैं चाहूंगा, प्रभु मैं चरण धूलि नहीं दे सकता हूँ। बोले द्वारका में बड़े बड़े भक्त है, मेरे 16,108 पटरानियां, उद्धव जी सात्विक, इनसे चरण धूलि लेकर क्या। नारद जी जिनियों को पास में गई, सब के सब नारद जी को गाली निकाली, कोई भी चरण धूलि देना नहीं चाह। नारद जी वापस आ गया, बोले प्रभु जहां जहां मैंने गया सब के सब मेरे को गाली निकाले, बोले कोई भी चरण धूलि नहीं दिया, बोले नहीं, बोले सारा दुनिया तुमने घूम गया, बोले हाँ, बोले वृंदावन गया था, बोले प्रभु केवल मैं वृंदावन नहीं गया, मैंने देखा हुआ ग्वाल वाल गैया चराने वाले और गोपियां तो कंडा बीनने वाली दधि मंथन करने वाली गांव में रहने वाली उनको क्या भक्ति भक्ति पता है। बोले नारद जी मेरे जो असली भक्त है ना केवल वृंदावन में, एक बार वृंदावन तू जाकर देख। नारद जी वृंदावन गए और नारद जी को देख करके सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गई, बोले हमारी लाला कान्हा कैसे, बोले कान्हा को तो बड़ा तेज बुखार सर दर्द, बोले दवा नहीं दिए, बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ, बोले कौन सा दवा, बोले कृष्ण बोले कोई भक्त मेरे को चरण धूलि दे दे, वो चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाएगा तो ये बुखार सही होगी। बोले कोई बोरी भोरी लाया कि नहीं, बोले बोरी, बोले किस लिए, बोले चरण धूलि कैसे ले जाओगे, बोले दोगे, बोले और क्या, जितने ब्रजवासी गोपियां थी ना चरण रगड़ रगड़ करके उसको उन्होंने धूलि को जमा किया और एक पोटली बांध करके नारद जी के सर पर रख दिए, बोले जाओ कृष्ण को स्नान करा दो। नारद तो अक्के बक्के चक्के रह गए, बोले तुम लोगों को पता नहीं कृष्ण भगवान, बोले हाँ, बोले बोले अपना चरण धूलि देकर क्या नरक की रास्ता साफ कर रहे हो। बोले नारद जी कृष्ण सुख के लिए एक जन्म नहीं, अगर करोड़ों कल्प के लिए नरक जाना पड़े हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन हम कृष्ण का दुख नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं हम नरक जाएंगे, इसको लेकर कृष्ण को स्नान करा देना। नारद जी ने देखा भैया असली भक्त तो यहीं पर रहे, हम लोग तो कोई नरक जाने के डर से कोई चरण धूलि नहीं दिया, ये कहते करोड़ों काल के लिए हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण दुख नहीं देख सकते हैं, भैया ये तो असली भक्त है। फिर नारद जी ये धूल लेकर के द्वारका में गए, भगवान को वहां स्नान कराया गया, अभी भी वहां पर एक गोपी तालाब है। अब लोग कहीं द्वारका गए हो, कौन कौन गए हाथ उठाओ, हाँ दो माताएं हाथ उठा रही है, अब लोग देख करके आए होंगे जहां पर ये गोपी तालाब है, ये जो मिट्टी है ना सारा दुनिया में कहीं इतने सुंदर मिट्टी पीले रंग की मिट्टी नहीं मिलती है, केवल वहीं पर ये मिलती है, ये गोपियों की ब्रज रज है। जिस रज को पाने के लिए भागवत में देखो उद्धव जब ब्रज में आए उन्होंने क्या प्रार्थना की, बोले आशा महो चरण रेणु जुसा महंग श्याम, कहते वृंदावन में मैं कोई घास भूसा होकर जन्म हो जाए, बोले क्यों, बोले गोपियां जब भाग्यम यह जन्म अटप्या, ये ब्रह्मा कह रहे हैं ब्रज में पत्थर जन्म होकर के जन्म हो जाए, छोटे जातियों को घर को दरवाजा को सामने अगर वो चरण रगड़ेंगे उनकी चरण मिलेगा धन्य हो जाऊंगा। शंकर जैसे व्यक्ति ब्रज में गोपी बन करके ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए शंकर जी आते हैं,
इसलिए जितने 33 करोड़ देवता सबके सब ब्रजन चाहते हैं, इनकी बात छोड़ दो। भगवान राम को देखना, कहीं राम की विग्रह देखना, यही गोपी चरण धूलि भगवान राम लगाते। आप कभी नारायण को देखना, भगवान का नारायण है तो आधा मुंह देखोगे इतना तिलक लगा हुआ ठाकुर जी की। कहीं हनुमान जी को देख लो, कहीं गणेश को देखो, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते। आप लोग तो हिंदू देखना, जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए जाते हैं ना, तिलक लगा कर जाओ, तिलक लगा कर जाओ तो विजय प्राप्त हो। मतलब आप तिलक लगा कर कहीं भी जाओगे ना, जो ये तिलक को दर्शन कर लेगा कहते उसको ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाती है। और तिलक लगा कर किसी काम में भी आप जाओ, देखना घर में पुजारी जब वो पूजा कराने के लिए आता है ना, सबसे पहले तिलक लगाएगा, नहीं तो पूजा ही नहीं करवाएगा। ठीक है ना, क्या करना है, तिलक सबके सब लगाना है। गोपियों की चरण धूलि है, इनकी चरण धूलि लगने पर अपनी आप हृदय में भगवत भक्ति अपनी आप उदय होता है, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। देखो ये पास में इस्कॉन मंदिर है, कभी जाकर देखना, अंग्रेजी लोग होकर देखना, वो सबके सब इस चीज के तिलक लगाते हैं। लेकिन कभी कभी हम हिंदू होकर ना मॉडर्न हो गए, सबके सब बोले तिलक लगाएंगे इतने गंदा काम कैसे कर लेंगे। लेकिन अपना मैया को देखना, तुम्हारी मैया को देखना, घर में क्या करते थे, पहले चंदन घिस करके पहले ठाकुर के तिलक लगाते थे, वो तिलक पहले लगाते थे, पहले सबके सब सबके सब यही तिलक लगाया करते थे। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। आज ठाकुर जी ब्रज रज की महिमा को दिखाने के लिए ठाकुर जी स्वयं आज ये ब्रज रज को स्वीकार करते हैं। बोले माँ ये ब्रज रज मैंने अकेला थोड़ी पाया, देख ले विश्व ब्रह्मांड तेरी ब्रज रज के लिए तरसते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। एक दिन कृष्ण देखा जब मैया जसोदा कृष्ण मक्खन खिलाती हैं, ये ब्रज गोपियों के अंदर में भी भावना है कृष्ण की, हमारे घर में आएंगे कभी, हम भी कृष्ण को गोद में बैठा करके मक्खन दूध इनको भी कम पिला सकेंगे। अभी सारे ब्रज गोपियों का हृदय में भी ये भावना है। अभी इनकी हृदय की भावना को समझते हुए एक दिन कृष्ण स्वयं बोले घर घर में मेरे को जा करके मक्खन चोरी करना पड़ेगा। कृष्ण सोचा दूसरे घर में मक्खन चोरी करने से पहले मैं अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, अगर अपना घर में सक्सेसफुल हो जाऊँ ना फिर तो दूसरे घर में भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा, अगर अपना घर में पकड़ा गया तो फिर दूसरे घर में भी पकड़ा जाऊँगा, अपना घर में पहले प्रैक्टिस अपना घर में करता हूँ। एक दिन कृष्ण अपना मैया को नज़र को बचाते हुए ठाकुर जी अपना घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। जब कृष्ण मक्खन चोरी कर खा रहे थे, उखल के ऊपर में खड़े होकर के नंद बाबा का जो घर है वो हीरे जवाहरातों से बना हुआ पिलर, साधारण नहीं मणि से बनी हुई पिलर है। कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे इनकी परछाई पिलर के ऊपर पड़ा, अपना परछाई को कृष्ण देख करके सोचा जैसे मैं मक्खन खा रहा हूँ चोरी करके, शायद मेरे घर में मेरे जैसे कोई बालक ये भी मक्खन चोरी कर रहा है। कृष्ण का तो उम्र 2.5 साल का होगा, इसलिए कृष्ण को पता नहीं ये परछाई भी कोई चीज होता है। सोचा मेरे जैसे और कोई बालक मक्खन चोरी कर खा रहा है। कृष्ण सोचा ये मैया को बोल नहीं दे, बोले भैया तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया से बोलना नहीं, कितना चोर चोर मौसरे भाई तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। वो परछाई भी वही बोला, बोले तू खा मैं भी खाता हूँ, मैया से नहीं बोलना। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो, वो परछाई भी वही बोला। अभी कृष्ण तो परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है नहीं, फिर ये किससे झगड़ा कर रहा है। मैया आकर के देखती है वो अपना परछाई को साथ में ही लड़ाई कर रहा था। इतने में मैया बोली लाला तू किससे लड़ रहे हो। बोले भैया मैया भी देख लिया कृष्ण तो छलांग लगाए और वो पिलर को पकड़ लिया। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुस आए हुए। बोले कहां पर। बोले इसकी अंदर में। बोले इसकी अंदर में चोर है, ये बताओ तेरे हाथ में मक्खन कहां से आया। बोले ये भी सच है। बोले मैया मेरे हाथों में जो मणि की कंगन पहना दी थी गर्म हो गया था, मैं मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले तू हाथ को तो ठंडा कर रहा था
लेकिन तेरे मुंह में से मक्खन कहाँ से? बोले भैया ये भी सही है। बोले मैया मुंह में एक चिट्ठी चल रहा था, वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह से मक्खन लग गया। मैया बोली लाला तू मेरे अकेले लाला, जो कुछ मैं बनाती हूँ तेरे लिए ही बनाती हूँ, पर ये सब चोरी करने का क्या जरूरत है? कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार मक्खन चोरी करते हुए पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर ही पकड़ा जाऊंगा। ऐसे ही कृष्ण हर घर घर में कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे, लेकिन कोई भी कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं। एक ब्रज में एक नई गोपी आई, वो लिखी पड़ी थी, बड़ा चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण तो घर घर में मक्खन चोरी करता है, लेकिन किसकी पकड़ में नहीं आता। एक भजन गा ले। हरी मैया ओ मैया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया
कुंडी करे भैया जितनी गोपी बैठी है ना, ये झूठी है जमाने की। अरे मैया ये सब झूठ बोल रही है, वो बदनाम करना चाहते क्यों? बड़े सुंदर भाषा में ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया इनको मत यारो करे, मैं तस्करी ऐसा। अरे मैया अगर तुम गोपिन की बात का भरोसा करेगी ना तो ये गोपिन का मिलेगा, मैया मिलेगा। मैया तू इनको पतियारो करे, मैं तस करिए सा, चोरी नाम मेरो धने मेरो हो देना देंगी भैया। तो ना बोलो आगे की सोच के गोपी को बदनाम कर रही, मेरे ब्याह नहीं हुआ के बारे में। ये झूठी है जमाने की दिली थी, कल मुझे पंजगत पे बसुरिया तोड़ दी जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। विश्व की जगला में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो भुलाना एक बहाना है। श्री मखन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। एक दिन मैया जसोदाबली लाला, लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों मैया, मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ, पूरा ब्रज ब्रज में हला हो रहा है, तू घर घर में मखन चोरी कर रहे हो, बताओ चोर को क्या कभी बेटी देगी? लगता है तू कुंवार का कुंवार रह जाओगे। हो रहे हैं
और मैया कहती है तेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, मैया को ये विश्वास हो जाए मैंने मक्खन नहीं चोरी करता, फिर तो मेरी शादी हो जाएगी। देखो कृष्ण ने कितना सुंदर बात बताई, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन का यो सुन, मैया मोरी मैंने ही माखन का यो सुन, मैया मोरी मैंने ही माखन का यो सुन, मैया मोरी मैंने ही माखन का। भोर भयो गई अन्न को पाचे, माधुबन मोहे पठायो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन। देखो ये भजन आप सब जानते हो, भजन श्री सूरदास का। देखो कृष्ण कितने गजब के उदाहरण दी, बोले मैया ये बताओ भोर भयो गई अन्न को पाछे मधुबन मोहे पठायो, बोले हाँ, बोले चार प्रहर बंसी बट भट को सांझ पड़े घर आए, हाँ, बोले दिन भर गैया चराया सांझ को घर में आया और रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ गोद में सोया था, बोले दिन भर गैया चराया रात को तेरे गोद में सोया चोरी कब मिली, बोले मैं बालक बही अन्न को छोटो काहे विधि छिकी पा छिका पायो, ये बताओ मैं इतने छोटे से बालक हूँ और बड़े छिके के ऊपर में दूध दही मक्खन रखते हैं, बताओ मेरे हाथ कैसे पहुंचा। बोले ये सखा लोग सब तेरे नाम पर जो बताते हैं, बोले मैया जानते हो ये बालक इतने दुष्ट, इतने दुष्ट खुद के खुद तबन चोरी करके खाते हैं और ये मेरे को जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं, लगता है मैया मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म दे करके कहीं फेंक करके चला गया था और तूने वहां से उठा करके लाई और मेरे को पालन कर रही हो, क्योंकि दुनिया कहते तू मक्खन चोर, तू भी कहती हो मतलब मैं तेरे बेटा है ही नहीं। इतना बोलते ही मैया का हृदय तो एकदम पानी पानी हो गया। इतने में मैया बोले नहीं लाला तेने मक्खन नहीं चोरी की, तेने नहीं की। इतने में कृष्ण झट बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। देखो भगवान ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, बल्कि ये मक्खन चोरी का तात्पर्य बताए। अब लोग घर में मक्खन बनाते हो, कौन कौन घर में मक्खन बनाया है, आप लोग ने सबने मक्खन बनाया ना। देखो ये मक्खन कैसे बनता है, ये मक्खन का मतलब क्या होता है, बोले मख और न, कहते मख मतलब होता है क्रोध और न मतलब होता है नहीं। बोले भगवान किस चीज को चोरी करते हैं, बोले जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, ठाकुर जी उसी चीज को चोरी करते हैं। बोले भैया ये काम क्रोध लोभ कहाँ पर नहीं है, बोले संतों की हृदय में ये चीज नहीं है, ये इनको इधर दे दो महाराज जी, प्रभु जी वहां पर बैठ जाओ, ऊपर बैठ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे हरे कृष्ण। इसलिए कहते भैया ये काम क्रोध लोभ कहां पर, ये काम क्रोध लोभ नहीं है, कहते ये संतों के हृदय में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले संत हृदय ना बनी ता समाना, संत हृदय ना बनी समाना, संत हृदय ना बनी ता समाना, संत